डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल में मैं सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक आपको लेकर आया हूं, ये टॉपिक राजस्थान पुलिस और विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के स्टूडेंट हैं उनके लिए है खासकर। और जो टॉपिक हमारा चल रहा था किसान आंदोलन, उसी का शेष पार्ट है। तो इसमें जो कुछ आंदोलन बच गए थे उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं हम। तो आप हेडिंग लिखोगे बीकानेर के किसान आंदोलन कहाँ के, तो हेडिंग है जो भी नेक्स्ट है तो इसमें बीकानेर के किसान आंदोलन कहाँ के किसान आंदोलन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए वो बीकानेर में भी किसान आंदोलन किसको लेकर के हुए, तो यहाँ पे जो आंदोलन हुए वो लगान वृद्धि के विरोध में हुए और लगानों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की लाग बाग टैक्स कर बेगार प्रथाएं यहाँ के ठिकानेदारों के द्वारा ली जाती थी, तो उन सब के द्वारा। इसके अलावा कुप्रशासन के बारे में जो अव्यवस्थाएं थी और जो जमींदारी प्रथा थी उसके जो कुपरिणाम थे उनके खिलाफ यह आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? बीकानेर में आंदोलन हुआ। यहाँ 1940 ईस्वी से जो पहले जो आंदोलन हुए वो गंग नहर क्षेत्र का जो आंदोलन था वो यहाँ पर हुआ। इसके अलावा कुंभाना का जो आंदोलन हुआ, जसाना का आंदोलन, किसान आंदोलन, ये जो 1940 से पहले हुए थे। और 1940 के जो बाद में जो आंदोलन हुए वो दूधवा खारा का आंदोलन, तो ये सब 1940 के बाद के आंदोलन थे। ठीक है, तो हम एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले आप हेडिंग आपने लिख लिया बीकानेर के किसान आंदोलन। और बीकानेर में मित्रों जो किसान आंदोलन हुआ वो किसके कारण हुआ, तो वो सरकारी कुप्रशासन के कारण, कुप्रशासन के कारण, तो ये सरकारी कुप्रशासन के कारण आंदोलन हुआ। सरकारी कुप्रशासन या हम क्या कह सकते हैं, अव्यवस्था, या फिर जो स्थाई बंदोबस्त थी, कौन सी स्थाई बंदोबस्त, तो स्थाई बंदोबस्त प्रथा, इसके कारण ये जो आंदोलन हुए। इसके अतिरिक्त जो टैक्स लिए जाते थे, कर लिए जाते, उनमें भी अनेक प्रकार के, या मैं कहूं कि उनके अतिरिक्त भी, अतिरिक्त भी, यानी बेगार ली जाती थी, बेगार, लाग बाग, अनेक प्रकार के, मतलब अनेक प्रकार की के टैक्स लागू कर दिए थे, अनेक प्रकार के टैक्स लागू कर दिए थे। इन टैक्सों के टैक्स लागू कर दिए, इन टैक्सों की वजह से, यानी जो यहाँ पर जो बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुए वो सरकारी अव्यवस्था के कारण, कुप्रशासन के कारण, और जो स्थायी बंदोबस्त प्रथा के जो उसके जो परिणाम थे उनके अपोजिट में यहाँ पे आंदोलन हुए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या किया गया कि बीकानेर के जो जागीरदार थे, जो ठिकानेदार थे, उनके द्वारा इन टैक्सों के अतिरिक्त भी जनता से बहुत प्रकार की बेगारें ली जाती थी। उनको फ्री में खाना देते और उनको जोतते थे, यानी उनसे काम करवाते थे। उन सबसे त्रस्त होकर के जनता ने आंदोलन किए। कहां पर? बीकानेर में। और प्यारे दोस्तों, जो 1940 से पहले जो आंदोलन किए गए, दो प्रकार से डिवाइड करते हैं हम, 1940 से पहले, तो 1940 से जो पहले जो आंदोलन किए गए थे, तो 1940 से पहले कौन कौन से आंदोलन किए गए, एक तो जैसे गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन, आंदोलन, इसके अलावा कुंभाना का किसान आंदोलन, इसके अलावा जो आंदोलन हुए थे वो 1940 के बाद के थे, ये तो पहले के और के बाद के, तो 1940 से बाद के भी आंदोलन हुए थे। यानी पहले के तो गंगानगर क्षेत्र में आंदोलन हुआ, इसके अलावा कहां पर हुआ, तो कुंभाना में आंदोलन हुआ, इसके अलावा जसाना में आंदोलन हुआ, और मेरे प्यारे दोस्तों इसके जो बाद में हुए वो एक तो कांगड़ राजगढ़ में,
और इसके अलावा जो आंदोलन हुआ, एक वो दूध व खारा आंदोलन, दूध व खारा आंदोलन, और यहां पे ये गंगनगर क्षेत्र में, और एक और हुआ था जसाना का आंदोलन। किसका? जसाना का किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। तो यानी ये जो यहां पे आंदोलन हुए, विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे आंदोलन हुए 1940 ईस्वी से पहले आंदोलन हुए गंगानगर क्षेत्र, या मैं कहूं गंगनहर क्षेत्र का किसान आंदोलन, जसाना का आंदोलन और कुंभाना का किसान आंदोलन। यानी फिर 1940 के बाद में जो आंदोलन हुए वो कांगड़ आंदोलन, राजगढ़ किसान आंदोलन और दूधवा खारा किसान आंदोलन यहां पर हुए। तो हम सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं प्यारे दोस्तों गंगानगर क्षेत्र का जो इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ये गंगनहर क्षेत्र, गंगानगर नहीं सॉरी गंगनहर क्षेत्र का आंदोलन। ये यहां पर क्या हुआ था, यहां पर एक गंगनहर का, इसका एक टैक्स लिया जाता था, गंगनहर क्षेत्र से रिलेटेड एक टैक्स लिया जाता जिसको अपन बोलते थे आम्बिया। कौन सा टैक्स बोलते थे? आम्बिया टैक्स। ये आम्बिया टैक्स क्या था कि एक प्रकार से सिंचाई कर था, जो लोग गंगा नहर से अपने खेतों की सिंचाई करते थे उनसे उस जल के बदले में जो टैक्स लिया जाता था उसको अपन बोलते थे आम्बिया टैक्स। तो क्या हुआ कि ये आम्बिया टैक्स लिया जाता था, और मेरे दोस्तों इस आम्बिया टैक्स में क्या था कि किसानों को प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा था गंगा नहर के माध्यम से, यानी उनको पर्याप्त मात्रा में जल मिल नहीं रहा था और आम्बिया टैक्स उनको पूरा भरना पड़ रहा था। समझ में आया? किसानों को जल की उपलब्धता तो प्रचुर मात्रा में हो नहीं रही थी, और वहां पे क्या है कि ये जो आम्बिया टैक्स था, ये जो जल का जो शुल्क था उस नहर का, वो उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी, वो पूरा जो टैक्स दिया जाता था वो ही लेना था। तो उसके एवज में यहाँ पे किसानों ने आंदोलन कर दिया, और यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसका जो नेतृत्वकर्ता थे, तो यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे सरदार सिंह। कौन? सरदार सिंह पुत्र वीर सिंह। ये सरदार सिंह के द्वारा, किसके द्वारा? तो नेतृत्व सरदार सिंह या सरदार दरबार सिंह था, पूरा नाम अगर पूछ ले सरदार दरबार सिंह। कौन सा? दरबार सिंह। पुत्र शेर सिंह, ये पूरा नाम था। तो सरदार दरबार सिंह पुत्र शेर सिंह के द्वारा यहां पर आंदोलन किया गया, गंगानगर या गंगनहर क्षेत्र का आंदोलन था। ये गंगनहर जो क्षेत्र का आंदोलन था, इसमें क्या हुआ कि ये आंदोलन हुआ और यहाँ के जो महाराजा थे गंगा सिंह, उनके द्वारा 1941 ईस्वी में, कब हो? 1941 ईस्वी में महाराजा गंगा सिंह, तो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा यानी किसानों को महाघोषणा की गई यहाँ पे, यानी बहुत सी रियायतें दी गई, छूट दी गई, उसके बावजूद भी फिर भी किसानों की महापंचायत हुई, और महापंचायत या महापंचायत हुई, और ये महापंचायत ये प्रोफेसर किसके नेतृत्व में? करतार सिंह के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में? ये प्रोफेसर करतार सिंह के नेतृत्व में हुई, और यहाँ पे करतार सिंह के नेतृत्व में जो सभा हुई, इसमें क्या हुआ कि कर मुक्ति, यानी आम कर की जो मुक्ति थी वो कर मुक्ति के एवज में हुई थी ये, और यहाँ पे इन्होंने 1941 ईस्वी को, कितने को? 1941 ईस्वी, और ये 14 मई 1941 को एक माफी दिवस के रूप में मनाने का डिसाइड किया। 14 मई 1941 ईस्वी को कौन सा दिवस? माफी दिवस, माफी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और ये जो महाराजा गंगा सिंह ने जो घोषणाएं की थी ये 1930 ईस्वी में की गई थी, सॉरी 41 में, 1941 ईस्वी में ये मुक्ति दिवस के रूप में, माफी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई, और इसके बाद यहीं पे, यानी यहाँ के सॉरी गंगानगर के प्रधानमंत्री
पीएम के द्वारा वापस से समझौता किया गया और किसानों को बहुत सी घोषणाएं की गई और रियायतें दी गई। तो ये कब किया गया, ये 7 अक्टूबर 1941 को, कब? 7 अक्टूबर 1941 ईस्वी को। तो ये तो 7 अक्टूबर 1941 को, मुकमाफी दिवस कब मनाया, तो 14 मई 1941 को, और महाराजा गंगा सिंह ने कब, तो 30 मार्च 1930 ईस्वी में, कब? 3 मार्च 1930 ईस्वी महाराजा गंगा सिंह ने किसानों के लिए महाघोषणा की थी। तो ये आपको याद रखना था, गंग नहर क्षेत्र, जसाना, महाजन और कुंभाना, गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन, जसाना, कुंभाना और महाजन, एक कौन सा था, महाजन था, जसाना, कुंभाना, महाजन, गंग नहर क्षेत्र का आंदोलन 1939 से पहले, बाद के कांगड़ा, राजगढ़ दूधवा राजगढ़ और हमीरवास के किसानों के द्वारा, एक और था हमीरवास, ये हमीरवास के किसानों के द्वारा किया गया। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों बीकानेर में के किसान आंदोलन, सरकारी कुप्रशासन, इसके सरकारी कुप्रबंधन अव्यवस्था और जागीर क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त के वजह पे हुआ था, क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त खिलाफ इसके अतिरिक्त बेगर लाग ली जाती, टैक्स ली जाती थी। 1940 से गंग नहर क्षेत्र, जसाना क्षेत्र, कुंभाना क्षेत्र, महाजन क्षेत्र आंदोलन हुए, और 1940 के बाद में कांगड़, राजगढ़, दूधवा खारा और हमीरवास में आंदोलन हुए। गंग नहर क्षेत्र जो आंदोलन इम्पोर्टेंट था, ये अंबिया टैक्स को लेकर के हुआ, नेतृत्व सरदार दरब सिंह। तो इसको दरबार सिंह पुत्र शेर सिंह के द्वारा 3 मार्च 1930 को महाराजा गंगा सिंह ने किसानों को घोषणाएं की, फिर महापंचायत प्रोफेसर करतार सिंह कर मुक्ति के रूप में इसमें की, यहाँ पे 14 मई 1941 को माफी दिवस मनाया और गंगानगर के पीएम को समझौता, 7 अक्टूबर 1941 ईस्वी को हुआ। इसके अलावा दूसरा जो था वो दूधवा खारा आंदोलन, जसाना आंदोलन और दूधवा खारा आंदोलन, ये जो दूधवा खारा आंदोलन है, ये दूधवा खारा, ये उस समय वर्तमान में बीकानेर रियासत में स्थित था, बीकानेर रियासत में स्थित था वर्तमान ये चूरू जिले में स्थित है। दूधवा खारा में जो आंदोलन हुआ, तो ये 1940 के बाद हुआ, यहाँ पर भी वो लाग बाग को लेकर के आंदोलन हुआ, दबा दिया गया आंदोलन को, नेतृत्व किसने किया, तो नेतृत्व हनुमान सिंह। इसके अलावा बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे हनुमान सिंह, पंडित जसराज, कुचल दिया गया पंडित मघराम बैद, राव माधो सिंह में हुआ। इस
इसको निष्कासित कर दिया, इसको निष्कासित कर दिया। ये बीकानेर प्रजा परिषद के, प्रजा परिषद के अध्यक्ष, ये बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष। प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे बीकानेर प्रजा परिषद। दूध व खरा आंदोलन कुचल दिया गया। तो याद रखें 7 अक्टूबर 1941 को वो, 14 मई 1941 को और 3 मार्च 1920 राहत देने की घोषणा की। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सिखावटी का आंदोलन। सिखावटी आंदोलन ये गांधी जी 1921 के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर के यहाँ के लोगों ने सिखावटी किसान हरलाल सिंह के नेतृत्व, किसान नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व किसान हरलाल, किसान हरलाल सिंह के नेतृत्व में इकट्ठे हुए पंचायत की किसान सभाओं का आयोजन किया गया। इसके अलावा लगान वृद्धि के विरोध में सीकर ठिकाने से प्रारंभ, ये हुआ क्यों था, तो ये भी लगान वृद्धि के विरोध में प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो ये सीकर ठिकाने से प्रारंभ हुआ। ठिकाने से प्रारंभ हुआ लगान बुद्धि के विरुद्ध। सरदार दरबार सिंह पुत्र शेर सिंह, ठीक है, बुद्धि के विरोध में हुआ। यहाँ का जो जागीरी और खालसा दोनों भूमि इसमें शामिल की गई, जागीरी प्लस खालसा। ओके, लोगों ने किया, यहाँ का ठिकानेदार कौन था, तो स्टार्टिंग में यहाँ का ठिकानेदार था राव माधो सिंह। पहले तो था राव माधो सिंह और फिर बन गया उत्तराधिकारी, इसका बन गया किशन सिंह कल्याण, राव राजा कल्याण से राव कल्याण सिंह। और कल्याण सिंह के बदले इसने 25% से 50% टैक्स में वृद्धि कर दी भाई, टैक्स में वृद्धि कर दी। तो लोगों ने आंदोलन कर दिया, आंदोलन किया, समझौता हुआ किसान और महस महकमा खास जयपुर के RIR ग्लानशी अध्यक्ष। तो ये जयपुर महा खास महकमा खास, महा खास नहीं महकमा खास अध्यक्ष, महकमा खास के अध्यक्ष कौन थे, RIR ग्लानशी समझौता।
जयपुर के महकमा खास के अध्यक्ष थे आर आई आर ग्लानर्शी, पुनः उत्पीड़न किसान फरियाद लेकर राम नारायण चौधरी के पास पहुंचे। पुनः उत्पीड़न किसान कहाँ पहुंचे? किसान पहुंचे राम नारायण चौधरी के पास पहुंचे। 11 फरवरी उन्नीस सौ पच्चीस को निष्कासित कर दिया गया। इंग्लैंड की संसद में मुद्दा उठा। मुद्दा उठा उसके बाद समझौता हुआ। कब? तो ये फरवरी में हुआ, मार्च में, अप्रैल 1925 को मुद्दा। अप्रैल 1925 को जांच करवाई गई, आयोग बना, जांच आयोग बना और फिर बाद में पुनः समझौता हो गया। मई 1925 में समझौता हो गया।